16 दिसंबर 2012 की रात को कौन भूल सकता है, तब एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक लड़की के साथ इतनी दरिंदगी भी हो सकती है, ये उस घटना ने हमें बताया था। देश के लोगों की यही उम्मीद थी कि ऐसी घटना देश में दोबारा ना देखने को मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में उसी एक्शन रिप्ले हुआ है जिसने सालों से हमारी नींद उड़ा रखी थी। यहां भी दरिंदगी की वही कहानी एक बार फिर से दोहराई गई। गाजियाबाद में निर्भया कांड, महिला को बनाया हवस का शिकार। गाजियाबाद में आज जो कुछ हुआ उसने 2012 के निर्भया कांड की यादें ताजा कर दी। यहां भी महिला के साथ वैसी ही दरिंदगी की गई जैसी दिल्ली की उस घटना में की गई थी। हैवानियत की हदें वहां भी पार की गई थी और यहां भी की गई। दो दिन पहले ये महिला अपने भाई के जन्मदिन पर गाजियाबाद आई थी, जहां से लौटते वक्त पहला उसका अपहरण कर गैंगरेप किया गया और फिर बोरे में बंद कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। वहीं इसको लेकर पीड़िता के भाई ने पूरी जानकारी दी। मेरी बहन मेरे जन्मदिन पर आई थी और वहां से खाना पीना खा के वो 9 बजे करीब चली गई थी। ठीक है जी, हमने उसे छोड़ा था आश्रम रोड पे, क्योंकि हमारा जो घर है थोड़ा अंदर है, तो हम उसे छोड़ने गए वहाँ पे। हमने सामान वामान खरीदा वहाँ से और जी वहाँ से उन्होंने ऑटो पकड़ लिया था और वो अपने घर के लिए रवाना हो गई थी। अच्छा, कौन आरोपी हैं, कितने आरोपी हैं? जी आरोपी 5 बताए जा रहे हैं इसमें जी। 4 उस टाइम पे थे जो स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे, उसे ले गए थे। क्या नाम पता है? नहीं बताया जा रहा। दूसरे समुदाय से जुड़े लोग हैं सर? हमें नाम वाम नहीं पता उनके। क्या दूसरे समुदाय के लोग हैं? जी। अच्छा, जिस तरीके से वो लेके गए थे, क्या आपकी बहन उनको जानती थी पहले से? हाँ जी, वो बहन बता रही कि मैं जानती थी उन्हें। तो क्या किया उन्होंने? अगर जगह पे जो ले गए हैं, जहाँ पे ले गए हैं वहाँ पे एक जना और मिला उसे उन्हें। पीड़ित महिला के भाई ने जब पुलिस में मामले की शिकायत की तो पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई की और मामले में 5 में से 4 आरोपियों को धर दबोचा। इसमें तत्काल पुलिस ने इनके भाई की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इनका बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ पूर्व में ही एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, जिसमें कोर्ट का केस भी चल रहा है। इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। वहीं अब सिलसिलेवार समझते हैं कि आखिर इन 2 दिनों में पीड़ित महिला के साथ क्या क्या हुआ। पीड़ित महिला 18 अक्टूबर की सुबह 3:30 बजे नंदग्राम थाना क्षेत्र में सड़क किनारे मिली। पुलिस तुरंत उसको मेडिकल के लिए गाजियाबाद के MMG अस्पताल लेकर आई, जहां से उसे दिल्ली के GTB हॉस्पिटल रेफर किया गया। महिला ने अपने परिचित 2 लोगों पर रेप का आरोप लगाया। इसके बाद पीड़िता के भाई ने पुलिस में जो एप्लीकेशन दी उसमें 5 लोगों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया गया। नामजद 5 आरोपी महिला के परिचित हैं, जिनसे दिल्ली स्थित मकान को लेकर काफी समय से संपत्ति का विवाद भी चल रहा है। इस संबंध में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में केस भी विचाराधीन है। वहीं अब इस मामले में तो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन देश भर में लगातार रेप के जो मामले बढ़ रहे हैं वो डराने वाले हैं। भारत में एक दिन में औसतन 87 रेप की घटना होती है। राजधानी दिल्ली में एक दिन में 5.6 रेप के मामले सामने आते हैं। NCRB के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले सालों के मुकाबले रेप के मामलों में 13.23% की वृद्धि हुई है। राजस्थान में 6,342, मध्य प्रदेश में 2,947, उत्तर प्रदेश में 2,845 के बाद दिल्ली में 1,252 में रेप की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। इस मामले ने एक बार फिर से देश को हिलाकर रख दिया है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी है। वहीं DCW की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। मेरे पिछले 7 साल के कार्यकाल में हर दिन ऐसे कई मौके आते हैं जब पूरी तरीके से दिल टूटता है, जब बहुत गुस्सा आता है सिस्टम पे, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है वो बढ़ता ही जा रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा।
लेकिन ये केस इतना घिनौना केस है, ये केस बिल्कुल निर्भया जैसा केस है, और इस केस में तो कम से कम मेरी सिस्टम से अपील है कि तुरंत फास्ट ट्रैक कराया जाए और तुरंत इन आदमियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस मामले में देश भर का सेंटिमेंट एक है, महिला को इंसाफ और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा, और इसीलिए देश भर की नजरें अब इस मामले पर टिकी हैं। इंडिया टीवी के संवाददाता संजय भी मौके पर पहुंचे और अब तक की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए। महिला के भाई की शिकायत पर गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें पांचों आरोपियों को नामजद किया गया है। ये नंदग्राम थाना है जहां पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये जा रहा है कि महिला अपने भाई के घर इसी इलाके में बर्थडे पार्टी में आई थी और वहां से दिल्ली अपने घर जा रही थी, उसी वक्त महिला को अगवा करके उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने नामजद आरोपियों में से एक और अन्य चार लोगों को हिरासत में ले लिया है और थाने में पूछताछ आरोपियों से की जा रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस के मुताबिक ये प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है, जिस तरीके से पुलिस लगातार बयान दे रही है। पुलिस का कहना है कि महिला सभी आरोपियों को पहले से जानती थी और उन आरोपियों को जिन पे आरोप लगाए गए हैं उनसे महिला का प्रॉपर्टी को लेकर एक विवाद भी चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जो आरोपी हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। थाने पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ करके घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।